Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Young, ever strong, ever brave. Memories like this now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। पिछले एपिसोड में आपको हमने दिखाया था कि कराबी में हम सेवन आइलैंड ट्रिप पर निकले हैं, और उससे जो आगे का वीडियो हम यहां पर जारी रखेंगे, जिसमें हम स्नोकलिंग कर रहे हैं, यहां का फूड, यहां का बीचेस, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। बहुत मजा आया, आनंद की कोई सीमा नहीं है, तो आइए और आनंद उठाइए। ऐसे कोई डरने की बात नहीं, हमें भी डर लग रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। एक आइलैंड पे उतरे हैं, तो यहाँ पर सनसेट होगा और यहाँ पर जो है हम जो है डिनर भी करेंगे यहाँ पे। तो ये डिनर भी हमारा इसी में इंक्लूडेड है, और स्नोकलिंग हमने जो अभी पीछे किया बहुत मज़ा आया। आप भी आइए और स्नोकलिंग कीजिए यहाँ पर आकर, और जो है स्नोकलिंग के बाद जो है थोड़ी भूख लग रही है, तब यहाँ पर हमारा जो है सनसेट भी होगा और डिनर भी होगा यहीं पर। तो सारी पब्लिक उतर गई है और बहुत शांत वातावरण है इस बीच पर, पूरा वाइट सैंड है। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. लोग जो है पिकनिक भी मना रहे हैं, कुछ लोग आए हैं अपने, उन्होंने टावर वॉल जो है स्काई उठाई है, बिछाई है मैट वगैरह, और जो है पिकनिक मना रहे हैं। हम भी जो है पिकनिक टाइप यहाँ मनाने के लिए आए हैं, तो चलते हैं। और इस तरह का पानी जो है, ये जितनी बॉटल आप ले सकते हैं ये देते हैं। Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep... पूरा एकदम हरियाली है पूरे आइलैंड पे, और पीछे आप देखिए, हमारे पीछे पूरा माउंटेन है। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. So, आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस तरह रेस्टोरेंट भी यहाँ पर जो है मिल जाएंगे एक दो, और पूरा जो है एरिया बहुत खूबसूरत है, बड़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे आके, सुकून का जो है पल यहाँ पर फील हो रहा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो है बड़े बड़े जो है लंबे लंबे वृक्ष हैं, बहुत पुराने पुराने वृक्ष हैं। सनसेट में जो है पेड़ों के झुंड के बीच में, वो चारों तरफ पेड़ है, और ऐसे देखिए पीछे बना हुआ है, ये देखिए पीछे जो है डिनर का तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पे जो है हम लोग डिनर करेंगे, इस तरह का जो है पूरा डिनर तैयार हो जाता है। इसी में पूरा आप देखेंगे यहीं पर जो है ये थोड़ा डार है, तो आप यहीं पर देखेंगे यहीं बैठ के लोग जो है अपना डिनर करते हैं। Song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. तो सनसेट देखने के लिए जो है हम इस आइलैंड पर पहुंचे हैं, और इस आइलैंड पे जो है इधर बीच है, बहुत सुंदर बीच है, और बहुत सारे लोग जो है देसी विदेशी सैलानी जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। Like this never end, no, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone,
हवा बहुत तेज चल रही है और जो इतना सुकून है यहाँ पर कि क्या बताएं। ये मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, आप ये वीडियो में देखकर पता नहीं कितना महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ खड़े होकर। कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ जो है स्विमिंग कर रहे हैं। प्रकृति का अद्भुत रूप है और ये चीज जो है सिर्फ आपको थाईलैंड में देखने को मिलती है। इस तरह जो बीच बीच में जो है छोटे माउंटेन का बड़ा लंबा सा जो खड़ा है, ये सब सिर्फ आपको जो है ये यहीं पर थाईलैंड में ही देखने को मिलेगी और बाकी जगह ये बहुत कम, ना के बराबर देखने को मिलता है। तो हमारा जो है डिनर लग गया है, तो हम जो है डिनर लेने के लिए आए हैं और इन्होंने शाम को जो है लगभग 6 बजे ही डिनर लगा दिया, 5:30-6 बजे ही। तो हम जो है डिनर खाने के लिए आए हैं, भूख लगी है, खा लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या खिला रहे हैं हमें। फिर थाई फूड, फिश करी, ग्रीन करी, एंड दिस chicken, this one also same green curry but with the meat. There's a veg, this one deep fry vegetable. ये इन्होंने जो है डिनर लगाया है, तो अब इसका जो हम लोग लुक उठाते हैं। और हमने जो है भोजन वगैरह कर लिया है, भोजन तो स्वादिष्ट ही था, इनका थोड़ा थाई फूड था, तो उतना हम लोग थाई फूड के जो है ना शौकीन है नहीं और उतना टेस्ट डेवलप है नहीं। शाम हो चुकी है, हम तो सनसेट देखने के आए थे, लेकिन बादल के कारण जो है सूरज देवता जो है वो बादल में छिप गए, तो सनसेट तो उतना अच्छा नहीं यहाँ पर शूट कर पाए। और हमारे बिल्कुल जो है सामने में समंदर की लहरें उठकर आती है हमारी तरफ और फिर वापस चली जाती है। बहुत ही मनोरम दृश्य है। और अब जो अंधेरा होने वाला है, तो थोड़ी देर में जो है अंधेरा हो जाएगा, फिर हम यहाँ से वापस जो है अब अपने होटल की तरफ जाएंगे। तो हमारा ट्रिप जो है लगभग अब जो है आज का खत्म होने वाला है। आज का जो है सेवन आइलैंड का टूर यहीं पर अब खत्म हो जाता है और यहाँ से हम वापस अब अपने होटल की तरफ चलेंगे। आज का ब्लॉग अब हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।